हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं सेनेगल और नेदरलैंड्स के बीच होने वाले मैच की प्रेडिक्शन, एनालिसिस और टीम कॉम्बिनेशन बताऊंगा। ग्रुप ए के दूसरे मैच में नीदरलैंड और सेनेगल का मुकाबला आज इंडियन समय अनुसार रात 9:30 PM से शुरू होना है। दोनों टीमों को जीत की तलाश रहेगी, जो नॉकआउट दौर में पहुंचने की उनकी संभावना को मजबूत करेगी। आंकड़ों और अनुभव के हिसाब से ग्रुप की दो सबसे मजबूत टीम सेनेगल और नीदरलैंड के बीच होने वाले मैच पर सबकी नजर है। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं। वहीं एक और दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमें पहली बार आमने सामने आ रही हैं। मैच दिलचस्प होने की उम्मीद है। हालांकि आंकड़े नीदरलैंड के साथ हैं, तो उम्मीदें सेनेगल के साथ हैं। इस ग्रुप में नीदरलैंड और सेनेगल दो मजबूत टीम्स हैं और हो सकता है कि ये दोनों टीम्स ही अपने ग्रुप से टॉप 16 में जगह बनाएं। ग्रुप ए में टॉप पर कौन रहेगा, ये नीदरलैंड और सेनेगल के बीच होने वाले मैच के बाद पता लग जाएगा। दोनों टीम्स शानदार फॉर्म में है। नीदरलैंड वैसे इस ग्रुप की मेरे हिसाब से सबसे मजबूत टीम है। पिछले 10 लीग मैचेस में नीदरलैंड एक भी मैच नहीं हारा। सादियो माने का चोटिल होना सेनेगल के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। सादियो माने के बाद कालिदो कोलिबेली और एडवर्ड मैंडी पर सबकी निगाहें हैं। इन्हीं के प्रदर्शन पर मैच का रुख तय होगा। नीदरलैंड्स के अटैकर कोडी गाकपो पर सबकी निगाह रहेगी। उनकी अच्छी फॉर्म नीदरलैंड को वर्ल्ड कप में आगे ले जाएगी। सेनेगल के डिफेंस की तारीफ हर जगह होती है। टीम का अनुशासन बड़ा उलटफेर करने में सक्षम है। दोनों टीमों के पिछले एक साल के प्रदर्शन को सामने रखते हुए नीदरलैंड की जीत की संभावना प्रबल है। सादियो माने की कमी सेनेगल खेमे में साफ दिखेगी। सेनेगल और नीदरलैंड्स पॉसिबल लाइनअप्स। सेनेगल पॉसिबल 11, एडवर्ड मेंडी, यूसुफ सबाली, पपे एबुसीसे, कालिदो कोलिबाली, फोर्ड बेलो टोरे, पपे मटरसा, नंपलाइज मेंडी, इद्रिसा गाय, इस्मिलसा, बोलाएडिया, क्रेपिन डायर्टा। नेदरलैंड्स पॉसिबल 11, रेमको पसवीर, जरियन टिम्बर, वर्जिल वैन डाइक, नेथन एके, जेरेमी फ्रिम्पोंग, फ्रेंकी दे योंग, टेन कुक माइनर्स, डेली ब्लाइंड, कोडी गाकपो, स्टीवन बर्गवाइन, विंसेंट यानसन।